दिया कि हर हर महादेव, खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून से लेंगे, खून का बदला 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 खून से लेंगे, खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून से लेंगे, खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून से लेंगे, जिस प्रकार से लगातार नक्सली जो हैं हमारे जवानों को शहीद करते आ रहे हैं, चाहे 2010 का ले लीजिए 76 जवान शहीद हुए, 2013 में हमारे 32 जवान शहीद हुए, उसके बाद 17 एक बार, 25 एक बार, और पिछले महीने ही 5 जवान जो है शहीद हुए मार्च में, और कल जो है एक बड़ी घटना और जो हमारे देश को एक बड़ा नुकसान हुआ जिसमें 23 जवान शहीद हुआ और कई जवान हमारे भी लापता हैं, 32 जवान जो हैं वो सीरियस हैं बहुत। लेकिन मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2 जिलों के अंदर जो नक्सली सीमित हैं उनको हथियार कौन मुहैया करा रहा है? अभी तक वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ना कोई उनको हथियार मुहैया करा रहा है, गोलियां उनको मुहैया करवा रहा है, गोला बारूद जो है उनको मुहैया। सरकार अभी तक उन लोगों क्यों नहीं पकड़ पाई है? कौन लोग हैं वो? कौन देशद्रोही हैं जो उनको अभी तक ये हथियारों का जो जखीरे जो हैं वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं? और सरकार क्या इतनी सक्षम नहीं है कि लगातार जब भी हमारे जवान शहीद होते हैं तो एक आश्वासन दिया जाता है कि उचित कार्रवाई की जाएगी? कहाँ अभी तक उचित कार्रवाई? कब तक हमारे जवान जो हैं वो शहीद होते रहेंगे? हम केवल सरकार से एक मांग करते हैं कि हमें खून का बदला खून से चाहिए। जब हमारे जवानों के वहाँ खून बहाया गया है तो हमें भी नक्सलियों के कटे हुए सर चाहिए। अगर सरकार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस उसमें सक्षम नहीं हो पा रही है तो आर्मी को हैंडओवर किए जिए वो इलाके, आर्मी वहाँ पर पूरे एरिया में घुस के तबाही मचाएगी। लेकिन हमें जल्द से जल्द वो नक्सली चाहिए जो वहाँ के उनके लीडर हैं जिनके ऊपर 40-40 लाख रुपये इनाम है। क्या वो राजनीति करने के लिए रखे हुए हैं? क्या वो राजनीति के लिए हैं? जल्द से जल्द हमें चाहिए कि उनके सर चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी जवान जो हैं उस इलाके में शहीद हुए हैं और कल 23 जवान फिर शहीद हुए। हमें खून का बदला खून से चाहिए, यही मांग जो है हम केंद्र सरकार से आई कर रहे हैं।